आपके इंडिया एयरलाइंस के एक पार्टनर्स को आज बिल मिल गया केजरीवाल जी? देखिए, इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और काफ़ी अच्छी बात है, बेल हुई है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को जब देखा जाए तो जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों की जिस प्रकार से पोल खोली जा रही है कोर्ट द्वारा, ये भी गौर करने लायक है। जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, एक चुनिंदा लोगों को ही जो है पॉलिटिकली जो है टारगेट किया जा रहा है, ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस हिसाब से फटकार लगाई जा रही है ईडी हो या सीबीआई हो, ये भी गौर करने लायक है। तो इसमें तो हद तो भारत सरकार की पिट रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कहीं भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसीज जो है, संवैधानिक एजेंसियों को किसी के दबाव में या पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। फेयर प्ले जो है, फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है, वो होना चाहिए। तो आज केजरीवाल जी को बेल मिली है, उनसे पहले भी उनके साथियों को बेल मिली है। तो मैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता और केजरीवाल जी के परिवार को बधाई देता हूँ। इससे पहले हेमंत सोरेन जेल गए, संजय सिंह गए, सिसोदिया जी गए, लगातार कोर्ट ने जिस तरीके से बयान कहा उसके बाद उन लोगों को बेल मिली, तो इस पे क्या कहना है? सिर्फ बेल ही नहीं मिली, कोर्ट ने फटकार लगाई है एजेंसियों को कि भाई ये पॉलिटिकली इस हिसाब से ये काम हो रहा है। तो हम तो ऑब्जर्वेशंस जितने अब तक आए हैं उसको लोगों को बताने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, तो किसी के दबाव में या पॉलिटिकल विंडेटा के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का दौर देखा जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव में केवल ऑपोजिशंस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और जो भाजपा में मिल जाता है उसको ईडी सीबीआई चार्जशीट से नाम निकाल के बाहर कर देती है। ये सबके सामने है, खुलेआम हो रहा है, इस पे पाबंदी की जरूरत है। आपके पूरे परिवार पे भी देखा जाए तो आप पे वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ रहते तो राजा हरिश्चंद्र होते, आज नहीं है तो बेईमान और चोर बना के रखा है इन्होंने। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो हम तो, क्योंकि कोर्ट में मामला है तो कोर्ट में इसका जवाब भी मुंह तोड़ जवाब हम लोग दे रहे हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को भी एक इंसाफ न्याय का नहीं सिर्फ हमारे साथ ही जगी होगी कि आप लोग के साथ भी आने वाले दिन में कोर्ट से न्याय मिलेगा? नहीं, हम लोग तो लगातार, हम लोगों को जो है कोर्ट पे पूरा विश्वास है। कानून के आधार पर, जो लॉ है उसके आधार पर हमारा केस बहुत ही मजबूत है, और हम अपने पक्ष को अदालत में बड़ी मजबूती के साथ, विथ लॉ एविडेंस के साथ हम लोग रख रहे हैं। तो साँच को आज किस बात की है? ये लोग कितना भी दबाने की कोशिश करें, बदनाम करने की कोशिश करें, कुछ होने वाला नहीं है। कोर्ट हर एक पहलू को देख रहा है और कोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है।